गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका नाने की रेसिपी में। आज हम बनाने जा रहे हैं कमर दर्द के माइग्रेन के लिए लड्डू। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर एक चम्मच देसी घी डाल रहे हैं। फ्रेंड, घी गर्म हो गया है। हमने ये पिस्ते लिए हैं, पिस्ते हमने 200 ग्राम लिए हैं। ये पिस्ते हम डाल देंगे इसमें और कुछ देर इसे हम इस तरीके से भूनेंगे। इसी के साथ हम डालेंगे, ये हमने 200 ग्राम हमने किशमिश लिए हैं। ये किशमिश हमने धो के साफ़ कर लिए हैं, ये भी हम डाल देंगे क्योंकि कुछ दिन के लिए हम रखेंगे तो किशमिश जो कच्ची होती है वो चलती नहीं है ज़्यादा, तो थोड़ा सा भून जाएगी और किशमिश का पानी थोड़ा हल्का सूख जाएगा, इसीलिए हम किशमिश को भी भून रहे हैं। फिर हमने पिस्ते को बीच में से काट लिया है क्योंकि साबुत पिस्ते के लड्डू बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए हमने पिस्ते को काट लिया है। ये ज़्यादा ना भुने किशमिश और इस पिस्ते को, ये हम थोड़ा ही भुनेंगे। फ्रेंड, ये भुन गए हैं, हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड, यहाँ पर हम एक चम्मच घी डाल रहे हैं इसमें। फ्रेंड, हमने यहाँ पर 200 ग्राम हमने बादाम लिए हैं। बादाम हमने दो पीस कर लिए हैं इसके, इस तरीके से हमने टुकड़े कर लिए हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। काजू भी हमने 200 ग्राम लिए हैं, वो भी हमने इसके टुकड़े कर लिए हैं इस तरीके से, ये भी हम डाल देंगे। इन्हें भी हम थोड़ा सा भूनेंगे। फ्रेंड, हम इन्हें स्लो गैस पे भूनेंगे। फ्रेंड, ये देखिए, ये भी हमारे काजू और बादाम भून गए हैं। कम ही भुने, ज़्यादा ना भुने। इन्हें भी अब हम निकाल रहे हैं। एक चम्मच घी फ्रेंड हम फिर से डाल रहे हैं इसमें। ये हमने खरबूज के बीज लिए हैं, खरबूज के तरबूज जो मिक्स बीज होते हैं हमने वही लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। ये हमने करीब 50 ग्राम लिए हमने ये। ये फ्रेंड हमने 60 ग्राम खसखस लिए, जितना हम ले रहे हैं उसके चौथा हिस्सा हम लेंगे ये खसखस का। ये खसखस बहुत अच्छी रहती है घुटनों के दर्द के लिए, सर दर्द के लिए, कमर दर्द जैसा भी होता है उनके सबके लिए बहुत अच्छी होती है। ये हमने यहाँ पर जैसे हमने ये 200 ग्राम ने बोली है, 200 ग्राम ही हमने ये गोला लिया है। गोला आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, इसे डाल लें और ये हम थोड़ा सा इन्हें भुनेंगे। ये गोला हमने कद्दूकस कर लिया है, जो सूखा गोला अक्सर घर में आता है खीर में डालते हैं उसमें, ये वही गोला है। ये गीला गोला ना लें, ये सूखा लें। इसे भी हम स्लो गैस पर भून लेंगे। फ्रेंड, ये देखिए, ये भी हमारा गोला खसखस और जो हमने बीज डाले थे खरबूज के, ये भी भून के तैयार हो गए, ये हम बाहर निकाल लें। फ्रेंड, यहाँ पर एक चम्मच हम घी डाल रहे हैं। घी हमने लगभग इसमें 100 ग्राम घी लग गया है। फ्रेंड, हम यहाँ पर 4-5 हमने इलायची ली है, हरी इलायची होती वो ली है हमने, ये छोटी इलायची, ये हमने पीस लिया, इसका पाउडर बना लिया, ये हम डाल देंगे इसमें। हमने ये खजूरें लिए हैं, खजूरें हमने पीस लिए मिक्सी में, साफ़ कर लिया पानी से धो के साफ़ करके फिर हमने ये मिक्सी में पीस लिए हैं। ये फ्रेंड हमने करीब 200 ग्राम हमने खजूरें लिए हैं और ये हम भून लेंगे क्योंकि पानी में जब हमने धोए थे तो पानी थोड़ा बहुत चला जाता है, इसीलिए थोड़ी देर के लिए ये हम इन्हें भूनेंगे जिससे कि इसका पानी सारा सूख जाए। फ्रेंड, स्लो गैस पर हम खजूरों को भूनेंगे। फ्रेंड, ये खजूरे भी जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, जैसे खसखस डाली है हमने, सारे ड्राई फ्रूट डाले हैं, सर्दी शुरू हो रही है तो सर्दियों के शुरू की सर्दियों में ही हम इन लड्डुओं को बना लेंगे। और खजूरे के बहुत फ़ायदे हैं, जैसे हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कमर दर्द माइग्रेन अक्सर करके चल रहा है, माइग्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं ये, नज़र के लिए आँखों में दर्द होने लगता है तो उनके लिए बहुत अच्छे हैं, मेमोरी के लिए बहुत अच्छे हैं ये। देखिए फ्रेंड, ये खजूरें हमारे भुन गए। फ्रेंड, ये देखिए, खजूरें भुन गए और खजूरों को हम इसमें डाल लें, जो हमने सामान पहले भुना था सारा ये इसी में हम डाल देंगे। ये फ्रेंड हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट हैं ये सारे मिक्स कर लेंगे हम इन्हें और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि गर्म है अभी काफ़ी। फ्रेंड, ये देखिए ठंडा हो गया है, मतलब ज़्यादा ठंडा ना करें, इतना ठंडा करें कि थोड़ा सा गुनगुना रहे इस तरीके से। अभी थोड़ा सा मतलब इतना ही गर्म है, हम इसके लड्डू बना के आपको दिखा रहे हैं। ये लड्डू बहुत ही ताकतवर लड्डू बनाए हमने, ना इसमें देखिए चीनी डाली है हमने, अनहेल्दी कुछ भी नहीं है और घी भी हमने ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि घी बहुत ज़्यादा डाला जाता है दूसरे लड्डुओं में, इसमें हमने घी नहीं डाला ज़्यादा।
देखिए फ्रेंड, हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। सारी बीमारियां हमने आपको बताई हैं, उस चीज़ के लिए हमने ये बनाए और खाने में तो स्वादिष्ट हैं ही ये। सर्दी शुरू में बना लें अपने के जो सर्दी शुरू होती है, क्योंकि 1 से 1.5 महीने ये हम आराम से इन्हें रखे खा सकते हैं, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।